क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों, देखिए ये किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। ठीक है, उनके मासिक व्यय जो है उसको यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। यहाँ व्यय के रूप में दिया है कि 1000 रुपया से 1500 रुपया खर्च हो रहा है, ऐसे कितने परिवार है तो 24 परिवार है, ऐसे ही सबका दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक निकालना है। फिर कह रहा है साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं, इसी चार्ट से आपका काम चल जाएगा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको दोबारा बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा तो उसको नहीं ना लिखना है, आपको दोबारा बनाना होगा। ठीक है, हम तो यहाँ पे दिख रहा है इसलिए डायरेक्ट बना दे रहे हैं इसी से, लेकिन आप एग्जाम में पूछेगा तो आपको बनाना होगा। चलिए यहाँ जो आप ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये जो बंटन के रूप में आंकड़ा जो देख रहे हैं, इसमें देखिए सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, ये बारंबारता को ही ना दर्शा रहा है, तो सर्वाधिक बारंबारता यहाँ 40 दिख रही है, इन्हें दिख रही है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले बहुलक निकाल लेते हैं फिर माध्य के लिए चला जाएगा आगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि वर्ग 1500 से 2000 की सर्वाधिक बारंबारता है, अतः 1500 से 2000 ये क्या होगा आपका बहुलक वर्ग होगा, यही आपका बहुलक वर्ग होगा। चलिए तो अब L का मान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 1500। ठीक है, चलिए F1 का मान क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है, यानी कि 40। F0 क्या होगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता, चलिए ऊपर के वर्ग की बारंबारता यानी कि 24। चलिए और F2 बराबर क्या होगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि ये हो जाएगा F2 बराबर में हो जाएगा 33। ठीक है, अच्छा H का मान क्या होगा, तो H देख रहे हैं कितने का अंतर चल रहा है सब में, 500 का है ना, वर्ग माप आपका 500 है, यानी कि H बराबर में यहाँ लिख देते हैं 500। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तो बहुलक निकालना है, लिखेंगे बहुलक बराबर L+F1-F0 बटा में 2F1-F0-F2 और गुना में H। चलिए यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसकी जगह पड़ेगा 1500, ठीक है, L का मान प्लस F1-F0, तो F1 कितना है 40 माइनस F0 है आपका 24 बटा में 2 × F1 यानी कि 40 माइनस F0 यानी कि 24 और माइनस में 33। ठीक है, और गुना में H, तो H का मान कितना है आपका 500। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका 1500 प्लस, यहाँ देखिए इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 16, देख रहा ना 16 बचेगा। अच्छा नीचे देखिए क्या आएगा, तो नीचे ये कितना हो जाएगा 40 × 80 और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ये 57 हो जाएगा ना, ये दोनों माइनस का तो जोड़ लेंगे तो 4 × 3 = 7 हो गया, 3 × 2 = 5 हो गया और गुना में आपका 500। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तो ये तो आपका है 1500 और प्लस में 16 और नीचे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 23 ना, घटा के देख लीजिएगा आपका 23 आ रहा है, हाँ 23 आ जाएगा और गुना में 500। चलिए 1500 प्लस 16 × 5 = 80 8000 हो जाएगा ना ऊपर और भागा में 23। चलिए अब ये हो जाएगा 1500 और प्लस इसमें से भाग करेंगे तो आएगा 347.82608 और भी आगे अंक आएंगे तो हम लोग ज्यादा अंक नहीं लेंगे, पॉइंट के बाद दो ही अंक लेंगे, यानी कि 1500 प्लस 347.83 एक अंक इसको बढ़ा लेंगे और बाकी डिजिट को हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1847.83। ये क्या हो गया आपका, तो यही आपका क्या आ गया, ये मासिक खर्च मासिक बहुलक व्यय आ गया, इसका मासिक बहुलक आ गया, समझ गए ना। चलिए ये आपका हो गया, अब इसका माध्य भी निकालना था तो इस आंकड़े को यहाँ छोटा कर लिए क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा यहाँ पे एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चलिए एक चार्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि हम लोग इसको निकाल सके। ठीक है,
चलिए इसमें हम लोग बॉक्सेस बना लेते हैं, हम लोग 6 बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी पग विचलन विधि लगाया जाएगा, आसान रहेगा, ज्यादा गोला नहीं करना पड़ेगा। 2 2 4 हो गया और एक यहाँ पे ये आपका 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना लिए और इन मानों को अब लिखा जाए यहाँ पे, फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है। चलिए तो यहाँ पे ये लिखेंगे व्यय, व्यय जो रुपया में दिया हुआ है, रुपया में, ठीक है। और यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये जो परिवारों की संख्या ये आपका क्या है, एफ आई है ना, बारंबारता को दर्शा रहा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे है आपका 1000 से 1500, फिर आपका कितना है 1500 से 2000, फिर आपका कितना है 2000 से 2500, ठीक है। चलिए पहले ये चार्ट पूरा कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका है 2500 से 3000, फिर आपका कितना है 3000 से 3500, फिर आपका 3500 से है आपका कितना 4000। कहाँ तक गया है ये आपका चार्ट, आपका थोड़ा सा और बढ़ेगा यहाँ पे, फिर 4000 से 4500, ठीक है। और फिर आपका 4500 से 5000, समझ गए। चलिए यहाँ पे दर्शा दिए, अच्छा और इनकी बारंबारताएं जो दी गई है वो भी तो लिखना होगा ना। चलिए यहाँ पे ये दिया है 24, ये आपका 40, फिर है आपका 33, फिर है आपका 28, 28 के बाद है आपका 30 ना, 30, फिर आपका है 30, फिर इसके बाद है 22, फिर 16 और फिर आपका 7, ठीक है। अब यहाँ निकालना होगा वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई निकालना होगा, तो इसके बीच का होगा ना, तो इसके बीच का निकालिए। तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, दोनों को जोड़िएगा तो ये 2500, और 2500 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1250, ठीक है। तो यहाँ 1250 लिख देते हैं, 1250, चलिए। और इन दोनों को जोड़िएगा तो 3500, और 3500 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 1750, और ऐसे भी दिख रहा है इन दोनों के बीच में 1750 है, अच्छा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो 2250, अच्छा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो 2750, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3250, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3750, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो 4250, अच्छा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4750, ये ना हो जाएगा। चलिए तो इसीलिए आपको बोले थे कि पग विचलन विधि इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए एक सही बड़ा बड़ा माना गया। चलिए तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो डी आई निकालेंगे, तो वो होता है एक्स आई माइनस ए, और ए का मान इसमें का मध्यमान मानेंगे, तो मध्यमान में तो ये 2 टर्म आ जा रहे हैं ना, तो इसको ए मान लेंगे ऊपर वाले को, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया ए बराबर हो गया 2750, ठीक है। तो 1250 में से 2750 घटा दीजिए तो माइनस का 1500 आ जाएगा, फिर 1750 में से 2750 घटा दीजिए तो माइनस का 1000 आ जाएगा, अच्छा इसमें से इसको घटा देंगे 2250 में 2750 तो माइनस का 500, अच्छा 2750 में 2750 गया 0, फिर 3250 में 2750 गया 500, फिर आएगा आपका 1000, फिर आपका आएगा 1500, फिर आपका आएगा यहाँ पे 2000, ठीक है। अब क्या निकालना होगा, तो अब हमें निकालना होगा यू आई, तो यू आई निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया है एक्स आई माइनस ए है ना, और बटा में एच, तो एच क्या होगा तो वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई कितनी है 500 ही ना है, चलिए तो एच बराबर आपके पास 500 दिया है, यानी कि एक्स आई माइनस ए का मतलब यही ना हुआ, यही समान होगा। चलिए तो इसमें 500 से भाग करते जाएंगे, एच से भाग करना ना, 500 से भाग कर देंगे तो ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, यहाँ 0, 1 2 3 4, अच्छा अब यहाँ निकालेंगे एफ आई यू आई, एफ आई यू आई मतलब इसमें इससे गुना करके, 24 दिया माइनस 72, 40 दूना माइनस 80, फिर आपका 33 में माइनस 1 से तो माइनस का 33, 0 में 28 से तो 0, फिर 1 में 30 से तो आपका प्लस का 30, 22 में 2 से तो 44, फिर आपका 3 से 16 से करेंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा, और 4 में 7 से करेंगे तो 28 हो गया। चलिए अब यहाँ पे योग करना होगा ना, तो किसका किसका योग निकालना होगा, तो यहाँ पे इसका योग चाहिए, यानी ये होगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है,
इसका मान जोड़ लेंगे और यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे, ये सिग्मा एफ आई होगा। ये ना दो मान को जोड़ना है, तो इसको जोड़िएगा तो ये तो 200 परिवारों का दिया था ना बिजली का, 200 परिवारों का क्वा रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी 200 परिवारों का मासिक व्यय दिया था, ठीक है। और इसको जोड़ना है तो देखिए माइनस वाले को अलग जोड़िए, तो माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का 150 ही होगा, और प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे तो ये आपका 150 हो जाएगा, तो घटा देंगे यहाँ पे तो ये माइनस का 35 आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था, तो माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। चलिए यहाँ पे इन सब मानों को रख देते हैं, तो ए का मान 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 35 और बटा में सिग्मा एफ आई 200 और गुना में एच, तो ये आपका 500 है। चलिए यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यहाँ देखिए 2750 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और 35 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 175 हो गया ना, 175 और बट्टा में 2 यानी 2750 माइनस, इसमें पॉइंट में भाग कर देंगे तो 87.5, इसमें से इसको घटा दीजिए तो घटाने पे आपका कितना आ जाएगा, ये तो 2662.5 रुपया, ये आपका यहाँ से आपका क्या निकल गया, ये माध्य निकल गया, तो माध्य और बोलक दोनों प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन